क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो एवं एक्स इक्वल टू 2π तथा वक्र y इक्वल टू साइन एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका जो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 2π और जो वक्र आपका है y इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर साइन एक्स का जो है ग्राफ थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो तो ये हमारा होता है एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू पाई। जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होता है और फिर पाई से 2π के बीच में फिर नेगेटिव होता है, तो एक्स इक्वल टू 2π और फिर यही वक्र, यही ग्राफ आपका जो है रिपीट होता चला जाता है, ये माइनस पाई है। तो हमको एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 2π, तो एक्स इक्वल टू जीरो हमारा ये हो गया और एक्स इक्वल टू 2π हमारा ये हो गया। एक्स इक्वल टू 2π ये आपका है एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू 2π के बीच में आपका कौन सा एरिया बन रहा है, ये एरिया हमारा बन रहा है जो हमको चाहिए। इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू 2π के बीच में वाई इक्वल टू साइन एक्स का ये एरिया बन रहा है। अब हमको पता है कि अगर ग्राफ आपका नीचे आता है तो एरिया नेगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए इस पे मॉड लगाना पड़ेगा। तो जब आप एरिया लिखेंगे, एरिया तो एक्स इक्वल टू जीरो से पाई वाई डी एक्स, और वाई हमारा क्या है आपका, ये वक्र आपका साइन एक्स है, वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स हो गया, फिर पाई से 2π भी आपका वक्र वही है साइन एक्स डी एक्स, लेकिन इस एरिया को हमको पता है यहाँ पे एफ एक्स जो है नीचे है तो इसका एरिया जो है ऋणात्मक आएगा, तो यहाँ पे मॉड लगा के धनात्मक करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अब साइन एक्स का इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, तो जीरो से पाई प्लस माइनस कॉस एक्स और इसमें लिमिट हो गया पाई से 2π और इसका मॉडलस, तो दिस इक्वल टू कॉस, अपर लिमिट रखें तो माइनस कॉस पाई और माइनस हाफ, लोअर लिमिट रखें तो कॉस माइनस हाफ माइनस कॉस जीरो। ये हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका मॉडलस ऑफ माइनस कॉस 2π और माइनस माइनस कॉस पाई, ये आपका मॉडलस। तो दिस इक्वल टू कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये आपका हो गया माइनस हाफ माइनस वन, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो ये भी आपका हो गया माइनस माइनस प्लस वन। ये पहला ब्रैकेट हो गया प्लस, अगला मॉडलस ऑफ माइनस कॉस 2π, तो माइनस ऑफ कॉस 2π, तो कॉस 2π की वैल्यू क्या होगी माइनस वन। तो कॉस एक्स का ग्राफ आपका इस टाइप का रहता है, ये आपका होता पाई बाई टू, ये पाई और 3π/2 ये 2π, तो कॉस 2π की वैल्यू होती है वन, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस वन। ब्रेक करके भी आप कॉस 2π को हम लोग लिख देंगे कॉस पाई प्लस थीटा, फिर इससे भी निकाल सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी आप याद रखिए, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू आपकी होती है माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस वन का मॉडलस। तो फाइनली हमारा ये आ गया, ये हो गया टू और प्लस, और ये मॉड के अंदर क्या लिखा है माइनस टू, तो माइनस टू का मॉड हो गया टू, तो टू और टू मिलके हो गए फोर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका 6। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यों रेखा वाई इक्वल टू mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका वक्र यहाँ पे क्या है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक परवलय है और एक रेखा है वाई इक्वल टू mx।
एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये हमारा हो गया, ये पर बल्ले हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। और अगला आपका है वाई इक्वल टू एम एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स जो है आपकी ये लाइन हो गई, वाई इक्वल टू एम एक्स, ये हमारा क्या हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स। अभी हम लोग जो है किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लें इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर वन हो गया, इक्वेशन नंबर टू वाई इक्वल टू एम एक्स हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा एम एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स अगर हम लोग यहाँ से कॉमन करें तो एम स्क्वायर एक्स माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपका आ गया एक्स इक्वल टू जीरो, और अगला हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो, यानी एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू फोर ए, यानी एक्स इक्वल टू फोर ए अपान एम स्क्वायर। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो ए, और ये हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ गया फोर ए अपान एम स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग जो है वर्टिकल अपना स्ट्रिप ले लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ये हमारा हो गया डी एक्स, इस पॉइंट को पी लिख देते हैं, इस पॉइंट को क्यू, तो जो आपका एरिया होगा ये एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू फोर ए अपान एम स्क्वायर, फोर ए अपान एम स्क्वायर वाई एट पॉइंट पी माइनस वाई एट पॉइंट क्यू इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू जीरो से फोर ए अपान एम स्क्वायर, पॉइंट पी पे हमारा वाई क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, तो वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर ए एक्स, तो टू बाहर आ जाएगा तो टू रूट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू टू रूट ए इंटू रूट एक्स, तो ये आपका हो गया टू रूट ए इंटू रूट एक्स, ये हमारा कहाँ का है वाई एट पॉइंट पी, और वाई एट पॉइंट क्यू क्या है यहाँ पे क्या है ये हमारा एम एक्स है, तो ये माइनस एम एक्स डी एक्स। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा आपका ए इक्वल टू टू रूट ए, तो आपका पहले इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स के पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री, क्योंकि नीचे थ्री बाई टू आएगा तो ऊपर गुणा करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, और लिमिट इसकी होगी जीरो से फोर ए अपान एम स्क्वायर, ये पहला इंटीग्रल हो गया टू रूट ए रूट एक्स का, इन माइनस एम बाहर आ गया और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसमें भी वही लिमिट जीरो से आपका फोर ए अपान एम स्क्वायर, दिस इक्वल टू टू रूट ए यानी फोर टू टू फोर हो गया फोर रूट ए अपान थ्री, ये तो हमारा बाहर हो गया, एक्स के पावर थ्री बाई टू यानी एक्स की जगह पे आप रखेंगे फोर ए अपान एम स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू, माइनस जीरो करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और माइनस चलिए यहीं पे लिख देते हैं माइनस एम इंटू एक्स की जगह पे फिर रखेंगे एम इंटू माइनस एम इंटू एक्स की जगह पे फोर ए अपान एम स्क्वायर, तो 4a अपान एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, और जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू ये आपका हो गया 4a अपान एम स्क्वायर के पावर 3 बाई 2, तो किसी के पावर 3 बाई 2 का मतलब होता है जैसे आपका बोला जाए यानी x के पावर 3 बाई टू का मतलब x के पावर 1 प्लस 1 बाई टू, यानी x के पावर 1 प्लस 1 बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1 बाई टू यानी x रूट एक्स, तो ये आपका होता है 3 बाई टू का मतलब वही संख्या इंटू उसी का अंडर रूट, तो इसका यूज करेंगे तो 4a अपान एम स्क्वायर के पावर 3 बाई टू का मतलब हो गया 4 रूट a बाई 3, ये आपका पहले से है, इसका मतलब हो गया 4a अपान एम स्क्वायर,
एक्स इंटू उसी का अंडर रूट यानी 4a अपॉन एम स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, ये खत्म। माइनस एम इंटू 4a का 16a स्क्वायर अपॉन एम के पावर 4, और 2 पहले से है तो 2m के पावर 4। तो दिस a इक्वल टू आपका सिंपली, अब इसमें क्या हमारा बच्चा ये हो गया आपका 16, और यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2, तो 4 दुनी 8 32/3, ये हो गया 32/3, ये 4 बाहर आया 2, तो 4 दुनी 8 32, और ये रूट ए मिलके ए हो गया, और ए स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपान ये एम स्क्वायर है तो बाहर आएगा एम, तो नीचे क्या बचा आपका एम क्यूब माइनस ये आपका क्या है 16, अच्छा 2 से काट दें तो आप ये 8 हो गया, और एम से एम कैंसिल हो गए, 8 ए स्क्वायर अपान एम क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू आपका आ गया 32a² / 3m³, और ये 8 तो एलसीएम लेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 24, 32 - 24 8a² / 3m³, 8a² / 3m³, इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए तो हर बराबर हो जाएगा आपका, तो 32a² - 24a², तो 32 में से 24 की 8a² / 3m³, तो ये आपका एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, परवलय 4y = 3x² 4y = 3x² आपका है, और रेखा 2y = 3x + 12, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो y = x² टाइप का है, जो ऊपर हमारा जो वक्र बनता है वही है परवलय y = x² टाइप का। तो ये तो हो गया हमारा 4y = 3x² अब 2y = 3x + 12, इसका ग्राफ बनाने के लिए 2y = ये लाइन है हमारा, तो लाइन को डिफाइन करने के लिए दो बिंदु मिल जाए तो सही है। तो x = अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करें तो 2y = 12, यानी y = आपका आ गया 6, यानी एक बिंदु हमको मिल गया x = 0 y = 6। अब y = 0 अगर हम लोग पुट कर दें तो 3x = -12 x = -4, तो ये पॉइंट हमारा मिल गया -4, 0, तो दो पॉइंट हमको मिल गया 0, 6, यानी x = 0 y = 6 यहाँ से जाएगा 0, 6 से, और x = -4 और y = 0 यहाँ से जाएगा, तो दो मिल गया हमको। ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमारा हो गया 2y = 3x + 12। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया आपका पूछा है, तो इस वक्र और स्ट्रेट लाइन के बीच में एरिया देखिए कितना है, ये आपका इन दोनों के बीच में ये एरिया है, ये आपका ओरिजिन है। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे हमको इस पॉइंट का x और इस पॉइंट का x जो है हमको तभी पता चलेगा। तो 4y = 3x² ये समीकरण एक हो गया, और दूसरा है 2y = 3x + 12 ये समीकरण दो। इसी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से y = आपका 3x + 12/2 यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो 4 × 3x + 12/2 = 3x², तो ये हो गया 6x, ये दो बचा तो उसे गुणा करें 6x + 24 = 3x², तो यहाँ से आपका हो गया 3x² - 6x - 24 = 0, 3 कॉमन है तो x² - 2x - 8 = 0, तो x² - 4x + 2x - 8 = 0, x कॉमन करें x-4 + 2 कॉमन करें,
इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस टू और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपका आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपका आ गया एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये पॉइंट हमारा क्या है एक्स इक्वल टू, ये लाइन आपका एक्स इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा और ये लाइन आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू फोर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, ये हो गया डी एक्स लेंथ और ये वाई एट पी माइनस वाई एट क्यू, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एरिया जो आपका हमको चाहिए एक्स इक्वल टू माइनस टू से एक्स इक्वल टू फोर तक, वाई एट पॉइंट पी माइनस वाई एट पॉइंट क्यू इंटू डी एक्स। अब y एट पॉइंट P यहाँ पे हमारा सिंपली क्या है, y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व बाई टू, ये पॉइंट P हमारा इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो a इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व बाई टू, ये हमारा y एट पॉइंट P हो गया, और y एट पॉइंट Q, Q हमारा जो है परवलय पे लाई कर रहा है, ये थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर है, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारा सिंपली एरिया मिल जाएगा। तो जो एरिया आपका हुआ, सॉरी ये आपका माइनस टू से फोर थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व बाई टू डी एक्स और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर डी एक्स, दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते हैं, माइनस टू से फोर, तो ए इक्वल टू आपका हो गया वन बाई टू, तो हमारा कॉमन हो गया, थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व का थ्री ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया और ट्वेल्व का इंटीग्रल हो गया आपका ट्वेल्व एक्स, और ये लिमिट आप इसमें रखेंगे माइनस टू से फोर, माइनस यहाँ से थ्री बाई फोर कॉमन कर ली, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपका हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, इसमें लिमिट माइनस टू से फोर। तो a इक्वल टू आपका वन बाई टू तो बाहर है, ये x इक्वल टू फोर रखेंगे तो थ्री इंटू फोर का स्क्वायर बाई टू प्लस ट्वेल्व इंटू फोर, ये हो गया, और माइनस x इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो थ्री इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर बाई टू प्लस ट्वेल्व इंटू माइनस टू, ये आपका हो गया पहला वाला ब्रैकेट, और दूसरा हो गया माइनस थ्री बाई फोर, एक्स की वैल्यू फोर रखेंगे तो फोर क्यूब बाई थ्री, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू क्यूब बाई थ्री, ए इक्वल टू वन बाई टू, अभी हो गया सिक्सटीन और दो से डिवाइड हुआ एट, ट्वेंटी फोर और अड़तालीस पचास, सेवेंटी टू हो गया आपका ये, सेवेंटी टू माइनस ये चार, ये दो हो गया और तीन दूनी छः और माइनस चौबीस, छः माइनस चौबीस माइनस अट्ठारह हो गया आपका ये, माइनस अट्ठारह एक माइनस पहले से लगा है तो ये प्लस अट्ठारह हो गया, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अगला माइनस थ्री बाई फोर चार क्यूब यानी चौंसठ बटा तीन, और ये माइनस ये दो दूनी चार दूनी आठ और माइनस आठ हो जाएगा तो एक माइनस पहले से लगा है तो ये आठ बटा तीन, दिस ए इक्वल टू बहत्तर अस्सी नब्बे, नब्बे बटा दो आपका हो गया पैंतालीस, और माइनस चौंसठ आठ बहत्तर बटा तीन, तो बहत्तर बटा तीन मतलब चौबीस हो गया और तीन तीन खत्म हो गया चौबीस बटा चलिए थ्री बाई फोर चौंसठ आठ बहत्तर बटा तीन, तो दिस इक्वल टू पैंतालीस माइनस तीन तीन खत्म हो गया बहत्तर बटा चार का मतलब चार इक्के चार चार बत्तीस पैंतालीस माइनस अट्ठारह यानी आ गया ट्वेंटी सेवन यूनिट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेवन, ट्वेंटी सेवन यूनिट।